सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस लेटेस्ट टेक न्यूज वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं यहाँ पर एप्पल से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एप्पल भी अपने नए बीट स्टूडियो बर्ड्स को लॉन्च करने वाला है। सो फाइनली ये जो बर्ड्स हैं ये ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं और इनकी प्राइसिंग अराउंड आपको देखने को मिलने वाली है 11,000 यानी 11,000 रुपए। साथ ही ये बर्ड्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे वो भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। और फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G ये स्मार्टफोन भी आपको बहुत जल्द ग्लोबल मार्केट पे देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है ये FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर सर्टिफाई हो चुका है। और अगर हम FCC की माने तो इस फोन के अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग। साथ ही ये स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड 11 पर रन करते हुए देखने को मिलेगा, जहां पर आपको कलर OS 11.3 देखने को मिलने वाला है। साथ ही कार्बन ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है इंडिया के अंदर, जिसका नाम यहाँ पर कार्बन X21। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिल जाती है यहाँ पर 5.5 इंच की HD+ वाली डिस्प्ले। साथ ही यहाँ पर आपको बैक में 8 और सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको यूनिसॉक का प्रोसेसर दिया गया है, जहाँ पर आपको 2GB की रैम देखने को मिल जाएगी, 32GB की इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। साथ ही यहाँ पर आपको 3000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 के वो एडिशन पर काम करता है। साथ ही बात करें इस फोन की प्राइसिंग की तो ये अराउंड आपको देखने को मिलेगा 5000 रुपए में। तो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन को फ्लिपकार्ट से जाकर के परचेस कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जियो और लाइफ का एक और नया स्मार्टफोन इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर सर्टिफाई हो चुका है। इसी उम्मीद है कि ये जो स्मार्टफोन है इसके बारे में हमें 24 जून को यानी कि जो रिलायंस की AGM वाली मीटिंग है उस दौरान हमें इसके बारे में और भी डिटेल्स देखने को मिल सकती है। और गूगल भी बहुत जल्द अपने गूगल पिक्सल 6 सीरीज स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाला है, जहां पर हमें गूगल पिक्सल 6 और 6 प्रो ये दोनों स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए यहां पर गूगल की तरफ से एक नए वायरलेस चार्जर की पिक्चर सामने आ चुकी है, जिसका मतलब हुआ कि बहुत जल्द आपको गूगल का नया वायरलेस चार्जर 2 ये भी आपको इसी सीरीज के साथ में लॉन्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर यह भी लीक्स आ रही है कि यहाँ पर आपको अब ज़्यादा फास्टर स्पीड वाली चार्जिंग भी देखने को मिल सकती है। टेक्नो भी बहुत जल्द 2 नए स्मार्टफोन्स को इंडिया में लेकर के आने वाला है, जहां पर आपको टेक्नो कैमोन 17 प्रो देखने को मिलेगा, जो कि आपको एक नॉर्मल स्पेसिफिकेशन के साथ में देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर टेक्नो LE7 ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी पावरफुल देखने को मिलने वाला है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये स्मार्टफोन अभी कुछ समय पहले ही TKDN सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर सर्टिफाई हुआ था और उसके पहले ये जो स्मार्टफोन है FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर भी सर्टिफाई हो चुका है। तो अभी के लिए ये स्मार्टफोन इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर सर्टिफाई हो चुका है, जिसका मतलब कि बहुत जल्द ये स्मार्टफोन भी आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको 7000 mAh का बड़ा बैटरा भी देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर सैमसंग की, तो सैमसंग की तरफ से यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। अभी तक हमें अपने स्मार्टफोन के अंदर रैम और जो स्टोरेज थी वो अलग अलग देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पर सैमसंग ने अब एक नया मॉड्यूल तैयार किया है, जहाँ पर आपको रैम और स्टोरेज एक ही चिप के अंदर देखने को मिलने वाली है। जहाँ पर इसके अंदर आपको LPDDR5 की रैम देखने को मिलेगी, साथ ही यहाँ पर UFS 3.1 की स्टोरेज भी देखने को मिलने वाली है। इससे यहाँ पर यह फायदा होगा कि यहाँ पर जो मोबाइल का जो स्पेस है वो भी कम हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, यानी फास्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपकी जो बैटरी खपत है वो भी यहाँ पर आपको कम देखने को मिलने वाली है। ये जो सैमसंग की UMCP चिप है ये इसी महीने मास प्रोडक्शन के लिए जाने वाली है, जिसका मतलब कि बहुत जल्द ये जो चिप है आपको कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन यानी मिड रेंज और साथ ही फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पर काफी सारे ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि इस बार सैमसंग गैलेक्सी S21 का जो फैन एडिशन है ये हमें या तो थोड़ा सा लेट देखने को मिलेगा या तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर सैमसंग ने इसे क्लियर करते हुए कहा है कि ये जो स्मार्टफोन है ये स्मार्टफोन अभी तक हमने इसे पोस्टपोन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा है, साथ ही इसे हमने कैंसिल करने के लिए भी अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि बहुत जल्द हो सकता है कि यह स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाए। साथ ही यहाँ पर Realme के जो बर्ड्स Q2 है ये भी आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, इसको लेकर के भी यहाँ पर Realme ने टीज करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, याद है आपको आज कौन सी डेट है, 15 जून। और मैंने आपको बताया था कि 15 जून को Realme अपने Realme GT 5G स्मार्टफोन को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने वाला है, जिसके साथ में लॉन्च होंगे यहाँ पर Realme का पैड और Realme के नए लैपटॉप यानी Realme Book। फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो यहाँ पर Realme GT 5G स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है और इसकी प्राइसिंग आपको अराउंड 32 के आसपास में देखने को मिल रही है, यानी 32,000 रुपये में, जहाँ पर आपको 8GB रैम और 128GB वाला वेरियंट देखने को मिलने वाला है। साथ ही स्मार्टफोन आपको कैसा देखने को मिलेगा और इसकी पूरी की पूरी जो स्पेसिफिकेशंस है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हॉनर की, और जैसा कि मैंने आपको बताया था हॉनर 50 सीरीज भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है चाइना के अंदर। तो यहाँ पर हॉनर 50 और हॉनर 50 SE ये दोनों स्मार्टफोन Geekbench वेबसाइट पर लिस्ट हो चुके हैं, जहाँ पर हॉनर 50 के अंदर आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 778G का 5G चिपसेट, उसी के साथ में 8GB तक की रैम और Android 11 के साथ में ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर हॉनर 50 SE की, तो ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलने वाला MediaTek Dimensity 900 चिपसेट के साथ में, जहाँ पर आपको 8GB तक की रैम और Android 11 के साथ में ये स्मार्टफोन भी आपको देखने को मिलने वाला है। बात कर लेते हैं यहाँ पर OnePlus की, तो OnePlus Nord N200 दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, साथ ही स्मार्टफोन हमको कैसा दिखता है ये भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर इसके कुछ नए प्रेस रेंडर्स भी सामने आ चुके हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही ये स्मार्टफोन Geekbench वेबसाइट पर भी लिस्ट हो चुका है, इससे स्मार्टफोन का जो मॉनिकर है वो कंफर्म हो गया। साथ ही यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 480 का 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, 4GB की रैम और Android 11 पे ये स्मार्टफोन रन करेगा। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर कंफर्म हो चुकी हैं, जिसका मतलब कि बहुत ही जल्द ये स्मार्टफोन भी अब ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलने वाला है। साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पर पोको की, तो पोको पॉप बर्ड्स भी मलेशिया की सिरिम सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर सर्टिफाई हो चुके हैं, जिसका मतलब कि अब बहुत जल्द ये बर्ड्स आपको ग्लोबल और इंडियन मार्केट में अब देखने को मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर पोको की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग न्यूज है कि यहाँ पर आपको पोको ने एक नया ट्रेडमार्क फाइल कर दिया है, जिसका नाम है यहाँ पर पोको ट्रिपल। अभी कौन से प्रोडक्ट्स होंगे और यहाँ पर आपको क्या सर्विसेज देखने को मिलने वाली, इसके बारे में अभी तक कोई भी डिटेल नहीं है, इसके बारे में भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि जो ट्रेडमार्क है ये पोको ने फाइल कर दिया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर आखिरी न्यूज की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आखिरी न्यूज की, और आखिरी न्यूज है यहाँ पर Realme की तरफ से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, Realme Narzo 30 4G और 5G ये दोनों स्मार्टफोन 24 जून को इंडिया के अंदर लॉन्च होंगे, यानी दोस्तों इस महीने के एंड तक ये स्मार्टफोन आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर एक और लीक सामने आई है, Realme का जो Realme 30 5G स्मार्टफोन होगा, ये स्मार्टफोन आपको अंडर 15,000 यानी दोस्तों 15,000 रुपए के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर Realme X9 Pro ये स्मार्टफोन को लेकर भी यहाँ पर एक नई लीक सामने आई है, और अगर हम इस लीक की माने तो यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 1200 का चिपसेट देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैंने बताया था कि OnePlus Nord 2 ये स्मार्टफोन भी बहुत जल्द लॉन्च होगा, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर भी आपको MediaTek Dimensity 1200 का ही चिपसेट देखने को मिलने वाला है। अगर हम इस लीक की माने तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि Realme X9 Pro यही स्मार्टफोन आपको कई सारे मार्केट्स में OnePlus Nord 2 नाम से देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को क्या लगता है, यहाँ पर Realme X9 Pro और साथ ही यहाँ पर OnePlus Nord 2 ये दोनों ही स्मार्टफोन इंडिया के अंदर आएंगे, या फिर Realme X9 Pro ही हमें इंडिया के अंदर OnePlus Nord 2 नाम से देखने को मिल जाए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके जवाब का जरूर से इंतजार रहेगा। चलिए वीडियो को करते हैं एंड, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।